एवरीवन वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज मैं आया हूं बिलासपुर और पिछले कल का ब्लॉग मैं नहीं अपलोड कर सका, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। और मैं आपको बता दूं यहां मौसम देखिए आप, काफ़ी धुंध पड़ी हुई है और हम अभी समय हो रहा है 6:30, हम कुल्लू की तरफ निकल रहे हैं। मंडी का जो रोड है इतनी हालत ख़राब है, पिछली वीडियो में तो मैं आपको दिखा नहीं सका क्योंकि मैं वोल्वो में आया था। आज मैं आपको पूरा का पूरा जो सीन है वहाँ का, जो तबाही हुई थी, जो मंजर वहाँ हुआ था, इस तरह का बुरी हालत है रोड की, वो मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। थोड़ा सा मौसम का नज़ारा देखिए, यहाँ हमारे काफ़ी धुंध होती है और यहाँ से हमने मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर मेन हाईवे दिल्ली मनाली हाईवे, वहाँ से हम राइट टर्न लेंगे और आपसे बातचीत करते रहेंगे। तो बने रहिए ब्लॉग में और आपको दिखाते हैं आज का किस तरह का रोड और किस तरह की कंडीशन है। तो फाइनली गाइज हम लोग दिल्ली मनाली जो हाईवे है वहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ से हम सीधे आगे की तरफ जाएंगे। इस तरफ मनाली है तो हमने मनाली की तरफ निकलना है। और दोस्तों मेरे मोबाइल की जो बैटरी है वो 18% है, तो मैं तो मेन जो पिक्चर है मंडी की वही लूंगा इसमें, क्योंकि ब्लॉग नहीं तो पूरा नहीं हो पाएगा। जो मेन आपको रोड की कंडीशन जो दिखाने का उद्देश्य है उससे आप वंचित रह जाओगे नहीं तो, इसलिए मैं मेन जो मंडी नेशनल हाईवे है मंडी से कुल्लू की तरफ वो पूरा सीन आज आपको दिखाऊंगा, तो आप बने रहिए ब्लॉग में। तो फाइनली गाइस हम लोग मंडी पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में हम अभी मंडी क्रॉस करने वाले हैं और जो आगे रास्ता खराब है उसकी चल जो है मैं बकायदा आपको कैमरे से दिखाऊंगा। दोस्तों मैं उस जगह पर पहुंच चुका हूं जहां पर बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड हुआ था और पूरा का पूरा रोड पानी से भरा हुआ था। आज भी आप देखिए यहाँ की इस तरह की हालत है, मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिए, ये देखिए पूरे के पूरे रोड में पानी भरा हुआ है और बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, गाड़ी लगने का भी काफी डर है यहाँ पे। ये देखिए इस तरफ पानी पानी, भगवान का शुक्र है कि रात को बारिश नहीं हुई, नहीं तो आप यहाँ पर देखते किस तरह का मंजर होता है, पूरा का पूरा रोड पानी से भरा होता है, रोड बिल्कुल भी यहाँ पर दिखाई नहीं देता है कि किस तरफ जाना है। यहाँ पर थोड़ा सा रास्ता ठीक आया और आगे जाके 2 किलोमीटर की दूरी पर फिर से काफी ज्यादा रास्ता खराब है, वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। यहाँ
पर काफ़ी जेसीबी जो मशीन जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा है और जगह जगह रोड साफ कर दिए गए हैं, क्योंकि आज थोड़ा मौसम ठीक लग रहा है मुझे। ये देखिए हल्के फुल्के बादल हैं तो इतना डर नहीं है, और अगर रास्ते में थोड़ा सा एक दो पॉइंट है, वैसे बैटरी मेरी 9% बची हुई है, मैं कोशिश करूँगा उसको अपने कैमरे में कैद करने की। ये देखिए गाइज रोड में कितना पानी है, और यहाँ पर काफ़ी बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था बहुत दिनों तक, लगभग 2 दिन यहाँ पर बंद रहा था रोड, लगातार बारिश होती रही। और जो कुल्लू के जो बागवान हैं, मैं आपको बताऊं कि अगर 2 दिन भी एप्पल टूटा हुआ घर में रह जाए तो पूरा का पूरा वो बेकार हो जाता है और काफ़ी नुकसान सहना पड़ता है बागवानों को। तो भगवान का शुक्रिया कि ऐसा नहीं हुआ, और बारिश 1-2 दिन ही ज़्यादा हुई और उसके बाद थोड़ा मौसम में काफ़ी बदलाव आया। दोस्तों अब जो मैं आपको पिक्चर दिखाने जा रहा हूँ, ये सबसे भयानक पिक्चर है यहाँ की, और इस जगह को बोला जाता है द्वाड़ा। ये हनुग्गी के पास की पिक्चर है, और ये जो आप चट्टान देख रहे हैं विशाल का है, यहाँ से बहुत बार आपने देखा होगा कि गाड़ियों के ऊपर सीधी चट्टान गिरी है और पूरी की पूरी गाड़ी चकनाचूर हो गई थी। 1 नहीं 2-3 बार ये इंसिडेंट हो चुका है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, आप लोग वैसे भी द्वाड़ा याद रखिएगा, जब भी आप यहाँ से दिल्ली मनाली हाईवे से गुजरें तो बड़े संभल के जाएं और पीछे ही रुक के थोड़ा सा देख लें, और ख़ासकर मौसम ख़राब हो तब तो आप ज़रा संभल के जाइएगा। और दोस्तों ये जो आप पानी का स्तर देख रहे हैं, ये अभी इतना डाउन नहीं था, 2-4 दिन पहले ये आपने पिक्चर देखी होगी यूट्यूब में किसी न किसी चैनल पर, तो ये पूरा जो रोड आपको दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ था ऊपर तक। बने रहिए आप ब्लॉग में, और मोबाइल की बैटरी जो है 7% है, तो हम अब सीधे आपको कुल्लू में मिलेंगे कटराई में, और जो भी बातचीत होगी आगे आपसे शेयर करेंगे। फाइनली गाइज हम लोग घर में पहुंच चुके हैं, और स्वरा काफी एक्साइटेड थी यहाँ आने के लिए, क्यों एक्साइटेड थी ना, और इसका मन काफी दिनों से कर रहा था कि बोल ही पापा कुल्लू जाना है कुल्लू जाना है, और इसके लिए हमने सरप्राइज रखा था, ऑनलाइन हमने ऑर्डर किया था अमेजोन से, तो झूला तो यहाँ पर आ गया था, और इसको पता है कि ऑर्डर किया था, पता था ना आपको, हाँ अच्छा लगा आपको झूला, कितना अच्छा लगा, इतना सारा सच में, अच्छा तो सबको हेलो कर दो, मुंह से भी बोलो हेलो गाइज, हाँ। तो हमने अभी चाय और पानी पिया, बस तुरंत इसको इतना हो गया एक्साइटेड कि झूला लगाओ और झूला लगाना पड़ा, और हमने झूला लगाया, ऊपर हमने बांधा हुआ है, नीचे थोड़ा रस्सी लगाना पड़ा, और हमने दोस्तों मैं आपको बता दूं थोड़ा सा हमने इसको नीचे इसलिए रखा है क्योंकि बच्चे होते हैं, क्योंकि थोड़ा हाइट रखेंगे तो गिरने का खतरा होता है, इसलिए हमने इसको नीचे रखा, और इसकी कैपेसिटी मैं आपको बताऊँ 90 किलो की कैपेसिटी है इसकी, परंतु हम तो इसमें नहीं झूलेंगे, ये तो बच्चे के लिए मंगवाया हुआ है, क्यों सोरा मजा आ रहा है बेटा, है देखो अच्छा है ना झूला, रेड रेड है ना, सोरा ने तो अपनी डॉल भी रखी है भाई, है डॉल भी रखी है साथ में, है टॉयज की याद आ रही थी ना, मिस कर रहे थे ना टॉयज को गाइज, ये
डेली पूछती थी मेरा डॉगू, ये इसका डॉगू यहाँ पे, और डॉल वगैरह इसके पास और भी है, काफी मिस कर रही थी, है ना। मैं देता हूँ, जोर से बेटा, जोर से ले। दोस्तों आज के ब्लॉग का हम एंड यहीं पर करते हैं, क्योंकि ब्लॉग काफी लंबा हो जाएगा। और मैं देता हूँ बेटा, मैं देता हूँ, 1 मिनट में बात कर लूँ ना। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू, जय हिंद, जय श्री राम, मिलेंगे।